हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चल रहा है युवराज बैच की क्लासेस, लेक्चर नंबर 12 हम लेकर के आए हैं। और आज इस लेक्चर नंबर 12 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस, टेस्ट नंबर 4। और टेंस में पर्टिकुलरली जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आज जो टेस्ट होने वाला है, वो होने वाला है पास्ट टेंस का टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस की क्लास को, पास्ट टेंस की यहाँ पे टेस्ट क्लासेस होने वाली हैं। चलिए, सो ये यहाँ पे हमारे सामने पेपर है, क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं आपको, इनको पास्ट टेंस में दिया गया है, इनको कन्वर्स करना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि पास्ट टेंस हम चला रहे हैं, बट एग्ज़ाम में आपको जब आएगा सो ये नहीं बोला जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, वहाँ पर आपको खुद देख के पहचानना पड़ेगा कि पास्ट टेंस है। तो जैसे मैंने बताया था कि पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, बताइए पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पास्ट टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी कि सब्जेक्ट के सेंटेंस के एंड में ता थी, ता थे, ओके, ते थे, ये आते हैं, करता था, करती थी, खाता था, खाते थे, ये होती है पास्ट टेंस की पहचान। जैसे प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, और जो आप या ये होता है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, या ये जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट टेंस में होता है ता है, ती है, ते है, और प्रेजेंट पास्ट टेंस में होता है ता था, ती थी, ते थे, खाता था, खाती थी, खाते थे, खेलता था। तो ये पास्ट टेंस की पहचान है। तो आइए आज हम पास्ट टेंस को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। बताइए मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, कैसा है, सिंपल पास्ट टेंस है, बताइए। माय ब्रदर वर्क्स इन इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए माय ब्रदर तक तो ठीक है, बट आपको पता है कि ये पास्ट टेंस है, इसमें वर्क्स नहीं होता है, इसमें सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ओके, माय ब्रदर वर्क्ड, माय ब्रदर वर्क्ड, ओके, वर्क्ड एट एन इंश्योरेंस कंपनी, माय ब्रदर वर्क्ड एट एन इंश्योरेंस कंपनी। तो याद रखिएगा इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, एस या ईएस का कोई पंगा नहीं होता है। ओके, माय ब्रदर वर्क्ड एट एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी पे काम करता है, में काम करता है, तो जगह है इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए वहां पर एट लगेगा। ओके, एट इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। आप इन एन इंश्योरेंस कंपनी भी लगा सकते हैं, एट एन इंश्योरेंस कंपनी भी सही है। चलिए अगला देखिए, मैंने कहा, मैंने कहा, आई सेड, बिल्कुल सही है, है ना, मैंने कहा, आई सेड। चलिए मैंने कहा के बाद उसने सोचा, बताइए क्या होगा उसने सोचा का, ही या शी थॉट, बिल्कुल सही है, उसने सोचा का ही होगा, थॉट या शी थॉट होगा, एग्जैक्टली। देन नेक्स्ट इज अगला है, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, बताइए क्या होगा, शी लुक्ड एट मी या ही लुक्ड एट मी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मैं आधी रात को घर पहुंचा, आई रीच्ड एट होम, हाँ, मिडनाइट, अच्छा, आई रीच्ड एट होम मिडनाइट आपने कहा है, चलिए देखते हैं, आई रीच्ड होम एट मिडनाइट, बिल्कुल सही, आई रीच्ड होम एट मिडनाइट। नेक्स्ट बताइए, राधा ने गाना गाया, राधा सिंग का सेकेंड फॉर्म पहले बताइए क्या होता है, सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सैंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म, राधा सैंग आ सॉन्ग, लेट सी, राधा सैंग आ सॉन्ग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिजली भाग गई, कल मैंने बताया था बिजली भाग गई, इलेक्ट्रिसिटी गॉन अवे, चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, इलेक्ट्रिसिटी गो वेंट गॉन होता है, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी यहां पे, ओके, है ना, गो वेंट गॉन, यहां पे सेकेंड फॉर्म लगती है ना, सो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, ये नई चीज है, बिजली भाग गई को बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट।
वेंट आउट, ठीक है ना। कल आपने बोला था इलेक्ट्रिसिटी रन अवे, तो याद रखिएगा कि रन फिजिकली दौड़ने के लिए होता है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कोई दौड़ करके नहीं भागेगी, फिजिकली अगर आप दौड़ने की बात करते हो तो वहां पर रन यूज होगा, बट यहां पर ऐसा कुछ यूज नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माता जी ने खाना बनाया। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, माता जी ने खाना बनाया, बताइए। हाँ, प्रिपेयर बोल रहे हैं आप। चलिए देखिए, खाना बनाया, ठीक है चलो बोल दो आप, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या होगा। हाँ, मदर प्रिपेयर, देखिए पहली चीज तो प्रिपेयर की सेकेंड फॉर्म प्रिपेयर्ड होती है, अगर आप प्रिपेयर लगा रहे हैं तो, है ना। वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से कुक्ड होना चाहिए, खाना बनाना एक्चुअली वहाँ पे कुक्ड यूज़ होता है खाना। अब आप कहोगे सर कुक तो पकाने के लिए होता है, देखिए खाना पकाया ही जाता है मोस्टली, और खाना बनाने को भी कुक्ड ही बोलते हैं। खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक्ड ही बोलते हैं, ठीक है ना। यस, जैसे आपने देखा होगा एक टीवी में सीरियल आता है मास्टर कुक, क्या नाम आता है? मास्टर कुक। वो खाना बनाते हैं वो, अब सारे वो तो आइसक्रीम भी बनाते हैं, आइसक्रीम पकाई तो नहीं जाती है, बट खाना बनाने को कुक ही बोला जाता है। सो क्या है? द मदर कुक्ड द फूड, ठीक है ना, द मदर कुक्ड द फूड। चलिए अगला बताइए, चोर भाग गए। हाँ हाँ, रन रैन रन, बिल्कुल सही, चोर भाग गए, द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे, बिल्कुल सही है, द थीफ रैन अवे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। हाँ, देखिए आप कैच्ड बोल रहे हैं, कैच तो होता नहीं है, कैच का होता है सेकेंड फॉर्म कॉट, क्या होता है? कॉट, कैच कॉट, कॉट कैच कॉट कॉट, तो इसका क्या होगा? द पुलिस कॉट द, देखिए चोर को, हाँ द पुलिस कॉट द थीफ, है ना, द पुलिस कॉट द थीफ्स, थीफ सॉरी, है ना। अब एक मैं आपको बता दूँ, चोर का जो प्लूरल होता है बेटा, आपको पता है क्या होता है चोर का प्लूरल? हाँ, टी एच आई ई एफ जो होता है, टी एच आई ई एफ, इसमें एफ हटा करके वी ई एस लग जाता है, ओके ठीक ना, तो टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स बन जाता है, क्या बन जाता है? थीव्स, ठीक ना। तो भाई ये है द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस कॉट द थीफ। चलिए सो ये हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चोर ने पुलिस को पकड़ा हमने कर लिया है, हमारी एक्सरसाइज नंबर 15 कंप्लीट हो चुकी, सॉरी 16 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 17 चल रहे हैं, आप जान चुके होंगे कि 17 में क्या आएगा? नेगेटिव, क्या आएगा? हाँ, तो नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे आएंगे, हालांकि पास्ट में ही रहेंगे परंतु नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे आने वाले हैं, ओके। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। ओ फिर से आ गया इलेक्शन लड़ना, मैंने बताया था इलेक्शन लड़ने में फाइट इस्तेमाल नहीं होता है। मायावती, मायावती डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, यस। तो देखिए मायावती डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, बिल्कुल सही है, द इलेक्शन लगा सकते हैं, मायावती डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, कंटेस्ट द इलेक्शन, याद रखिएगा। इसके बाद एस मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं चल रहा है ना, डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, तो भाई इलेक्शन लड़ने की स्पेलिंग लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, कंटेस्ट, ओके यस, ठीक ना, यस। कहते हैं क्विज कॉन्टेस्ट में खेलने गए थे हम लोग, क्विज कहाँ खेलने गए थे? क्विज कॉन्टेस्ट, क्विज कभी भी होता है तो क्विज एक कॉन्टेस्ट होता है, क्या होता है? क्विज। आपके स्कूल में जो प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें आपके चार हाउस भाग लेते हैं, वो भी क्या होती है? कंटेस्ट होती है, क्या होती है वो? कंटेस्ट, उसमें कोई एक जीतता है तो आप उन प्रतियोगिताओं में लड़ते हो, दैट इज कॉल्ड कंटेस्ट। सो मायावती डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, आज पिताजी ऑफिस नहीं गए, आज पिताजी ऑफिस नहीं गए, बताइए। टुडे फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, टुडे द फादर, फादर के सामने द लगाइए, ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट होते हैं फादर, फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो टुडे द फादर Did not go to the office. Very good. Today the father did not go to the office. बच्चों को समझ में आ रहा है कि did not लगता है तो वहाँ verb की form first ही लगती है. Okay, go की जगह went मत लगा देना, go ही लगता है. मैं इस तालाब में नहीं नहाता था. I did not take a bath in this pond. I did not take a bath in this pond. Yes, I did not take bath in this pond. बिल्कुल सही है. I did not take bath in this pond. Okay. मैं इस तालाब में नहीं नहाता था, आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। चलिए अगला बताइए, उसने मुझे अपनी किताब नहीं, इसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, ही
यस नॉट गिव मी इट्स नहीं आएगा अपनी, यहां पर देखिए हर यूज होगा, क्या यूज होगा, हिज या हर, हिज या हर, क्योंकि यहां पे देखिए अपनी किताब बोलो या उसकी किताब बोलो, भाई अपनी मतलब उसकी किताब ही तो है, तो यहां पे अपनी किसका सेंस लेगा, हिज का या हर का, यस बताइए, ही डिड नॉट गिव मी बुक, ही डिड नॉट गिव मी हिज या फिर हर बुक, तो ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक, बिल्कुल सही है, सही जवाब दिया आपने, चलिए अगला आ गया है, हाँ, उसे राहुल सॉरी बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा, बताइए क्यों, मंकी डिड नॉट क्लाइम ऑन द ट्री, चलिए देखते हैं, आपने कहा है द मंकी डिड नॉट, क्योंकि बंदर एक बहुत सारे जानवरों में स्पेशली बंदर की बात है, द मंकी डिड नॉट क्लाइम इनटू द ट्री, ओके क्लाइम इनटू द ट्री, एक्चुअली चढ़ने में क्या होता है इनटू लग सकता है जब आप चढ़ रहे हो, हाँ वैसे ऑन लगा दो बेस्ट है क्योंकि ऊपर जा रहे हो, तो मंकी डिड नॉट क्लाइम ऑन द ट्री, इनटू यहाँ पर सॉरी बच्चों इनटू यहाँ पर सही नहीं बैठेगा, यहाँ पर क्या बैठेगा ऑन, हमने बता रहा है इनटू मतलब अगर किसी चीज़ के चल के अंदर आना तब इनटू इस्तेमाल होता है, ये तो ऊपर जा रहा ना भाई, ऊपर के लिए क्या यूज़ होता है ऑन, द मंकी डिड नॉट क्लाइम ऑन द ट्री, ठीक है डन, चलिए अगला, उसे राहुल ने नहीं मारा, उसे राहुल ने नहीं मारा, गलत, आपने आपने तो कह दिया ही या शी, मतलब उसने राहुल, उसे राहुल ने नहीं मारा, आपने राहुल को पिटवा दिया जबकि यहां तो राहुल पीट रहा है, उसे राहुल ने नहीं मारा, तो उसे के लिए क्या यूज होगा ही, क्या यूज होगा ही डिड नॉट, हाँ क्या बोलते हैं पीटने को, मारने क्या बोलते हैं बीट, है ना, और जान से मार दिया तो किल्ड, किल किल है ना, तो क्या होगा बोलिए इसका आंसर, राहुल डिड नॉट बीट, ओह फिर से गलत कर दिया आपने बार बार, चलिए इसमें जीरो दे दीजिए आप अपने आप को, ओके गलत कह रहे हैं, उसे राहुल ने नहीं मारा, अच्छा राहुल मार रहा है, ओके 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 सॉरी सॉरी, हाँ राहुल डिड नॉट बीट हिम, लड़का है तो भाई कम से कम लड़के को मारने दो, भाई लड़की को क्यों मार रहे हो, राहुल डिड नॉट किल हिम या बीट हिम, ठीक ना, अब जान से मारने की बात है ये यहाँ पे, अब किल किल यानी जान से मारना, किल यानी जान से मारना, और बीट मतलब धुलाई करना, बीट मतलब धुलाई करना, थोड़ा मोड़ा पीट करके जैसे है ना पीट करके आ जाते हैं बच्चे, सो उसे राहुल ने, तो राहुल की बात हो रही है, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे थे, है ना, राहुल डिड नॉट बीट हिम, राहुल डिड नॉट बीट हिम, तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, उसे राहुल ने नहीं मारा, एक्चुअली राहुल मारने वाला है ना, तो राहुल डिड नॉट बीट हिम, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखिए कई बार लग रहा है कि उस मतलब उसको वो तो नहीं मार रहा दूसरा वाला बंदा, और यहाँ पर मार कौन रहा है, राहुल, है ना, क्लियर हुआ ना, हाँ दूसरा लग रहा उसने राहुल को नहीं मारा, है ना, तो ही डिड नॉट बीट राहुल, और यहाँ पर अगर राहुल डिड नॉट बीट हिम, राहुल डिड नॉट बीट हिम, तो यहाँ राहुल की बात हो रही है, अगला नेक्स्ट है, मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, वेरी गुड, आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, चलिए नेक्स्ट है, उसने कुछ नहीं कहा, ही डिड नॉट से एनीथिंग, ही सेड नथिंग या ही डिड नॉट से एनीथिंग, वेरी गुड, या तो मैं बता दूं कि नॉट एंड एनीथिंग वो मिला के बनता है नथिंग, लिख लो भाई कॉपी में, है ना, कुछ भी नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, नॉट और एनीथिंग को मिला के बन गया ही, जैसे आपने कहा ही डिड नॉट से एनीथिंग, तो आपको बन जाएगा है ना, सो ये क्या बन जाएगा नथिंग, बट याद रखिएगा जब भी आप नथिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव के जैसे काम करेगा, और से नहीं आएगा सेड आएगा, क्या आएगा सेड, जैसे नेवर में आपको याद होगा एस या ईएस लगा देते थे, तो ऐसे ही ही सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा, ये अपने में एक पूरा का पूरा क्लॉज बन गया, और क्या यूज होगा सेड, क्या आएगा सेड, देखिए एनीथिंग में नहीं लगेगा, अगर आप एनीथिंग करेंगे तो फिर यहां पे आएगा ही डिड नॉट से एनीथिंग, बोलिए ठीक है ना, बट यदि आपने नॉट को साथ में ले लिया एनीथिंग के, तो अभी तक निगेटिव था, अगर नॉट को आपने साथ में ले लिया तो नथिंग हो गया, क्योंकि नथिंग खुद में निगेटिव वर्ड है, नथिंग खुद में निगेटिव वर्ड है, क्योंकि नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, तो वहां पर आपका क्या लगेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी सेकेंड फॉर्म, तो ही सेड नथिंग, ही सेड
नथिंग. जैसे मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो बताइए क्या लगेगा उस समय. जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, चलिए यहाँ पे आ गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बताइए क्या होगा इसका. हाँ अब देखिए आई डिडेंट, अब आई डिडेंट वो तो ठीक है भाई, डिड नॉट. अब जैसे मैंने कहा आई, हाँ खाली स्थान ब्लैंक कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने नथिंग कर दिया है, तो समझो बात क्या है. बताओ यहाँ पे ईट आएगा कि एट आएगा? बिल्कुल गलत. देखिए मैंने कहा नथिंग, डिड नॉट नहीं लगा है, मतलब पास्ट में चलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट. क्या आएगा? आई एट नथिंग, बिकॉज ईट एट ईटन होता है ना, ये सुन लो. तो सेकेंड फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी? जैसे अभी अभी तो देखा आपने क्या आया था, सेड आया था. क्या आएगा? सेड, बिकॉज सेकेंड फॉर्म आई थी. डिड नॉट नहीं लिया ना, अगर डिड नॉट होता तो फिर फर्स्ट फॉर्म की बात करते. यहाँ पे डिड नॉट नहीं, कहीं पर नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्टली नथिंग आ गया उसकी जगह, कुछ नहीं की जगह. तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे? सेड. चलो एक और एग्जाम्पल ले लें क्या? चलिए मैं कुछ नहीं खेलूँगा, मैं कुछ नहीं, सॉरी मैं कुछ, यहाँ सॉरी मैंने खाऊंगा कर दिया, मैं कुछ नहीं खाया था होगा एक्चुअली, सॉरी यहाँ गलत हो गया, पास्ट में जाएगा ये तो मैंने फ्यूचर में डाल दिया है ना. तो यहाँ पे विल आएगा, अगर फ्यूचर की बात करो तो क्या आएगा? विल आएगा. क्या आएगा फ्यूचर में? विल आएगा. बच्चों यहाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने इसमें गा कर दिया, एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं खाया था, बस अब सही है, अब सही है, अब विल नहीं लगेगा है ना. चलो अगला देखते हैं, एक और देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा. मिस्टेक हो गई मुझसे यहाँ पे, मैं कुछ नहीं खेला था, मैं कुछ नहीं खेला था. अब देखो भाई साहब, कुछ नहीं, या तो डिड नॉट, डिड नॉट एनीथिंग जैसे आप बोल रहे थे, या क्या लगा दो? नथिंग. क्या लगा दो? नथिंग. तो चलो यदि मैं नथिंग पे जाता हूँ तो आई, और यहाँ पे नथिंग कर दिया मैंने. अब आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? क्या सिखाया मैंने? क्या आएगा? पास्ट. हाँ पास्ट तो है, मगर क्या आएगा भाई? प्ले आएगा कि प्लेड आएगा कि क्या आएगा? प्लेड. बिल्कुल सही. तो आई प्लेड नथिंग, आई प्लेड नथिंग. आप कहोगे सर ये तो निगेटिव है. अरे हाँ भाई निगेटिव तो है, मगर वो डिड नॉट नहीं आया ना, उसकी जगह क्या आ गया? नहीं खेलते के नथिंग आ गया, कुछ नहीं की जगह क्या आ गया? नथिंग आ गया. और नथिंग ने डिड नॉट को बचा लिया, नथिंग ने डिड नॉट को बचा लिया. और डिड नॉट नहीं आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज नहीं होगी. सिंपल ये पास्ट में जा रहा है. किस में जा रहा है? पास्ट में. नेगेटिव होते हुए भी अफर्मेटिव में जा रहा है ना, कमाल की चीज. तो कुछ चीजें नई नई अपन को सीखनी पड़ती. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला देखते हैं. उसने कुछ नहीं, वहां जाना, वह वहां जाना नहीं चाहता था. हाँ He did not want to go there. बिल्कुल सही है. क्या बात है? He did not want to go there. एकदम सही बताया. मैंने उसे नहीं देखा. I did not see her. I did not see her या him. I did not see him. बिल्कुल सही है. I did not see him. चलिए दोस्तों, तो ये हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज नंबर 17. अब आते हैं हम लोग किस पे? इंट्रोगेटिव पे. किस पे आते हैं? इंट्रोगेटिव पे आते हैं. और इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि डिड आगे आ जाता है सब्जेक्ट के. सब्जेक्ट के डिड आगे आ जाता है ना, डिड यू, डिड शी है ना. तो चलिए अब पास्ट की बात चल रहे हैं. क्या तुमने उससे बात की? अब देखिए, क्या उसने तुमसे बात की? अब की बोले या की थी बोले, बातें की है. बात किसकी चलेगी? पास्ट की है ना. हाँ पास्ट में चला. क्या उसने तुमसे बात की? अब ऐसे सेंटेंस आते तो बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता भाई साहब. क्या उसने तुमसे बात की? ठीक है ना. तो देखो बच्चों, यहाँ पे पास्ट है. क्या है ये? पास्ट है. क्यों? क्योंकि या ये तो आ नहीं रहा है, तो पास्ट में ही जाएगा. पुरानी बात चलिए. क्या उसने तुमसे बात की? जैसे मैं तुमसे पूछूंगा क्यों उसने तुमसे बात की, मतलब पुरानी बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं मैं? हाँ, तो मतलब ये पास्ट में है. बोलिए क्या होगा इसका? डिड ही या शी टॉक यू? टॉक ही टॉक्ड. बोलिए इंट्रोगेटिव में क्या थी? फर्स्ट फॉर्म की सेकेंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. डिड शी, हाँ डिड शी टॉक यू. चलिए देखते हैं आपका सही है कि गलत है. ओके तो देखते हैं, डिड ही टॉक टू यू? बिल्कुल सही है, डिड ही टॉक टू यू. टॉक के बाद टू लगता है प्रपोजिशन, बच्चों याद रखिएगा. टॉक टू, ओके डिड ही टॉक टू यू, डिड ही टॉक टू यू. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगला है,
नेक्स्ट देखिए, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे? क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे? डिड यू गो टू, डिड यू गो टू टेक अ बाथ इन द रिवर? लेट सी, डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर? बिल्कुल सही। डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर? एग्जैक्टली। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया? देखिए, डिड नेम के आगे दामत लगाइए, है ना। डिड द राहुल गांधी नहीं लगाइए, नेम के आगे नाम नहीं, द लोकेश सर नहीं होता है, ओनली लोकेश सर होता है, ठीक ना। डिड राहुल ऑन स्टेज, है ना। डिड राहुल गांधी डिलीवर अ स्पीच ऑन द स्टेज? बिल्कुल सही, डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच। याद रखिएगा, कभी भी नाम के आगे द नहीं लगता, पोस्ट के आगे लगता है द फादर द मदर, बट कभी नाम के आगे दा नहीं लगता है। आपने देखा नहीं होगा द सचिन तेंदुलकर, देखा क्या कभी? द महात्मा गांधी कभी नहीं देखा होगा आपने, नाम के आगे दा नहीं लगता है, है ना, बल्कि पोस्ट के आगे लगता है, द नेशन ऑफ फादर, द नेशन ऑफ फादर, यस। चलिए, द प्राइम मिनिस्टर, ये पोस्ट है, पोस्ट के आगे दा लगता है। चलिए, उस क्या उसने तुमसे कुछ कहा? डिड ही से टू यू एनीथिंग? डिड ही से, सेड तो नहीं आएगा पहली चीज, से क्या उसने तुमसे कुछ कहा? अब देखिए भाई साहब, कुछ कुछ यानी कि समथिंग, समझ गए ना, कोई कोई चीज यानी एनीथिंग, कोई चीज मतलब एनीथिंग, तो यहां पे समथिंग बेटर है, ओके। कुछ कहा, हाँ, अब है तो दोनों ही लगभग लगभग सेम है, आसपास सेम है, है ना, बट कुछ है तो मैं कहूंगा कि आप समथिंग के साथ जाइए, है ना। सो डिड यू, डिड ही से समथिंग टू यू? डिड ही से समथिंग टू यू? उससे, तुमसे, तुमसे मतलब टू यू, तुमसे मतलब टू यू, यस। तो डिड ही से समथिंग टू यू? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। क्या राधा स्टेज पर नाची? सो सिंपल, डिड राधा डांस ऑन द स्टेज? बिल्कुल सही है, डिड राधा डांस ऑन द स्टेज, बिल्कुल सही भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिड राधा डांस ऑन द स्टेज के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बच्चा जोर जोर से रोया? क्या बच्चा जोर जोर से रोया? डिड चाइल्ड वीप सो लाउडली? डिड द चाइल्ड वीप लाउडली, बिल्कुल सही है, सो लाउडली भी सही है, बट लाउडली का ऑलरेडी मतलब होता है जोर से, समझ गए ना, तो सो लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। डिड द चाइल्ड वीप, मतलब लगा भी दोगे तो मतलब नहीं है। डिड द चाइल्ड वीप लाउडली, ठीक है ना, वीप लाउडली। चलिए नेक्स्ट है, क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे? डिड यू रीच एट द स्टेशन? हाँ, डिड यू रीच स्टेशन एट 10 o'clock? डिड यू रीच स्टेशन एट 10 o'clock, आपने कहा। डिड यू रीच द स्टेशन एट 10 o'clock, बिल्कुल सही, फुल मार्क्स। डिड यू रीच द स्टेशन एट 10 o'clock? डिड यू रीच द स्टेशन एट 10 o'clock? स्टेशन एट 10 o'clock, देखिए एट स्टेशन, स्टेशन एट 10 o'clock, द स्टेशन, एट यानी समय पर लगता है, एट, समझ गए ना, एट 10 o'clock समय की बात हो रही है। द स्टेशन, डिड यू रीच द स्टेशन, है ना, डिड यू रीच द स्टेशन एट 10 o'clock, ठीक है ना। देखिए जगह के लिए भी एट लगता है, मगर जब पर्टिकुलरली आप उस जगह में, बड़ी सी जगह में, एक छोटे से कमरे में हो, जैसे तुमसे मैं बाहर घर के खड़े होकर पूछूंगा वेयर आर यू रिवर्स, तो तुम कहोगे आई एम एट द किचन नाउ, मैं अभी कहाँ पर हूँ, किचन पे, मतलब इस बड़ी सी बिल्डिंग में तुम जब अपनी पोजीशन एग्जैक्ट बता रहे हो तो वहाँ पे एट लगेगा, बट यदि तुम अपने आप को कह रहे हो मैं घर में हूँ तो इन लगेगा, क्या लगेगा, हो तो तुम घर के अंदर भी, तो घर के अंदर के लिए इन लगाओ, बट उस पर्टिकुलरली प्लेस के लिए क्या लगाओ, एट लगाओ, और टाइम के लिए हमेशा एट लगाओ, टाइम के लिए हमेशा क्या लगाओगे, जैसे कहोगे आई एम एट प्लेट, जैसे तुम कहोगे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 में हूँ, स्टेशन में तो हो, स्टेशन के लिए लगेगा इन, क्या लगेगा, इन द स्टेशन, है ना। अब तुम कहोगे यहाँ पे रीच, क्योंकि भाई पहुँच रहा है स्टेशन, इसलिए रीच इन द स्टेशन नहीं लगेगा, रीच द स्टेशन, अगर स्टेशन के लिए तो ठीक है, बट यदि तुम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में हो तो क्या कहोगे, आई एम इन द स्टेशन एट प्लेटफॉर्म नंबर 3, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टेशन के अंदर एक छोटी सी जगह है, समझ में आ गया, आई एम इन द स्टेशन एट प्लेटफॉर्म नंबर 3,
या आई एम इन द ट्रेन एट कोच नंबर 3, मैं ट्रेन के अंदर तो हूँ मगर कहाँ पर हूँ, कोच नंबर 3 में हूँ। तो ये चीज़ें लगती हैं। सो गाइज नेक्स्ट, क्या उसने यह किताब पढ़ी? Did she या he read this book? Let's see. Did she read this book? ओह भाई साहब, did she, क्या उसने यह किताब पढ़ी है, तो गलत लिख दिया है भाई, है ना। Did you read this book नहीं आएगा, did she आएगा या he आएगा। तो बिल्कुल सही है आपका, did he या she read this book। चलिए अगला है, क्या चोर सड़क पर दौड़ा, क्या चोर सड़क पर दौड़ा बताइए। Did the thief run on the road? ठीक ना, ये did thief, भाई मैं तो कहूँगा चोर के सम्मान मत कीजिए, चोर के सामने दा मत लगाइए, did thief run on the road? ओके क्लियर है, did thief run on the road। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या चोर सड़क पर दौड़ा, ये तो हो चुका अपना। नेक्स्ट है, क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया, बताइए सोचिए। चलिए जीरो दे दीजिए इसमें अपने आपको। ओके देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा डिड द पुलिस रन आफ्टर, पीछा करने को क्या बोलते हैं, रन आफ्टर। नोट करिए इसको वोकैबुलरी में, डिड द पुलिस रन आफ्टर द थीफ, रन आफ्टर द थीफ। ओके जैसे आपने देखा था देखभाल करना यानी लुक आफ्टर, पीछा करना मतलब रन आफ्टर, यस एग्जैक्टली, रन आफ्टर मतलब पीछा करना, रन आफ्टर मीन्स पीछा करना, डन। ओके गाइज, सो रन आफ्टर मीन्स पीछा करना। सो क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया, ओके सो डिड द पुलिस रन आफ्टर द थीफ। सो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड हियर गाइज द वर्कशीट नंबर 18। ओके एंड नाउ इट्स टाइम टू वर्कशीट नंबर 19। चलिए तो वर्कशीट नंबर 19 पे आते हैं हम लोग फिर से, एंड यहाँ पर हमारे पास है WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। ओके WH वर्ड वाले, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। यह तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। ओके आपने कहा है व्हाट डिड यू डू, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, व्हाट डिड यू डू। तो वह तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, किया किया, यह तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। ओके अगर कहा होता तो व्हाट डिड यू सेड हो जाता है ना। पिताजी कहाँ गए, कहाँ, वेयर, हाँ वेयर डिड फादर गो, वेरी गुड, वेयर डिड द फादर गो। प्रेपोजिशन सॉरी आर्टिकल थोड़ा अच्छे से लगाया करिए, फादर के सामने द लगता है, वेयर डिड द फादर गो। ओके गाइज, अगर मैंने यहाँ पर शायद गलती से कहा के लिए सेड बोल दिया है तो आप लोग वहाँ पे से कर लेना, अगर कहा होता उसने मतलब उसने क्या कहा, यदि क्वेश्चन था कि यह तुमने क्या कहा, यह तुमने क्या किया है, और यदि है तो होता यह तुमने क्या कहा, सो होता व्हाट डिड यू, यहाँ पे हो जाता से हो जाता, उस समय पे क्या हो जाता, से हो जाता फिलहाल। ओके व्हाट डिड यू से, क्लियर हुआ, तो से होगा सेड नहीं होगा, अगर क्वेश्चन मार्क में जाएंगे तो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है से होगा। चलिए अगला देखते हैं, तुम्हें किसने पीटा, हू बीट यू, अरे भाई डिड कहाँ गया, हू डिड बीट यू, जीरो दे दीजिए इसमें अपने आपको, है ना, है तुम्हें किसने पीटा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने भी नहीं लगाया है भाई, पीटा यानी पास्ट की बात है तो कैसे समझ में आएगा, है ना, हू डिड बीट यू, यहाँ पे डिड आएगा, हू डिड बीट यू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, वो डिड बीट यू तो हो गया है, आगे पढ़ते हैं, हाँ यह सब किसने किया, यह सब, ओके वो डिड डू ऑल दिस, वो डिड डिड ऑल दिस, देखिए यह किसने किया, एक मिनट की मैंने, वो डिड ऑल दिस, हाँ ये थोड़ा सा देखिए करना जो होता है, यह किसने किया, करा था, यह किसने किया था, वो डिड ऑल दिस, तो ये भी गलत नहीं है, है ना, एक मिनट। ओके देखिए बच्चों, यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो पहली नज़र में आपको कैसे लगेगा, जो मैंने रूल्स बताए तो आप बोलोगे सर वो लगाओ, फिर डिड लगाओ, फिर करने की बात किसने, किसने किया, किया को क्या बोलते हैं, डू, फर्स्ट फॉर्म में वो डिड डू ऑल दिस, ठीक है ना, वो डिड डू ऑल दिस।
ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहां से अगर मैं डिड और डू की जगह, एक्चुअली होता क्या, मजे की बात देखो, डू की तीन फॉर्म होती है, डू डिड डन। तो यहां पे डू भी आ रहा है और डिड भी आ रहा है ना। तो अगर आप दोनों को एलिमिनेट करो तो एक ये भी तरीका लिखा जा सकता है, वो डिड ऑल दिस, वो डिड ऑल दिस, बिकॉज डिड यानी कि पास्ट की बात हो गई, वो डिड ऑल दिस, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से मैं कहूंगा लर्निंग फैक्ट है, आप इसको लर्न कर लो, वो डिड ऑल दिस। तो इसको कॉपी में नोट कर लो ऐसा, है ना। हाँ वो भी सही है, बट ये यूज होता है जनरली, वो डिड ऑल दिस, इसको आप नोट कर लीजिए, ये है ना, इसको नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला, तुमने वहां क्या देखा, तुमने वहां क्या देखा, बताइए क्या होगा। What did you see there? आपने कहा है तुमने वहां क्या देखा, What did you see there? बिल्कुल सही, फिफ्थ वाला छूट गया था उसको कर दें। तुम वहां क्यों गए, है ना, Where क्या बोल रहे हो, तुम वहां क्यों गए, Why did you go there? बिल्कुल सही, देखिए Why did you go there? तुम वहां क्यों गए या तुम वहां क्यों गए थे, ठीक है ना। दरवाजा किसने खटखटाया, वो नॉक, वो नॉक द डोर, देखते हैं दरवाजा किसने खटखटाया, वो नॉक द डोर, वो नॉक। देखिए एक मिनट, ये देखिए आपने यदि यहां पे अगर आप डिड नहीं लगा रहे हो तो नॉक्ड लगाओ, है ना, और यदि आपको डिड लगाना है तो फिर विन नॉक लगेगा। तो यहां पे आपने डिड नहीं लगाया है तो आप नॉक्ड लगाइए, क्या लगाइए, नॉक्ड। तो वो नॉक्ड ऑन द डोर या वो नॉक्ड द डोर, है ना। और यदि आपको डिड लगाना है तो आप जानते हैं आपने रूल तोड़ दिया, तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तो यहां पे आएगा क्या, वो डिड नॉक द डोर। ओके तो आप यहां पे मार्क्स कट गए, जीरो दे दीजिए, वो डिड नॉक द डोर या वो नॉक्ड ऑन द डोर। तो ये भी एक स्पेशल टाइप है, वो नॉक्ड द डोर, आप इसको लिख लो कॉपी में, स्पेशल है, इसमें स्टार मार्क करता हूं मैं, वो नॉक्ड ऑन द डोर, डन, वो नॉक्ड ऑन द डोर या वो नॉक्ड द डोर। दरवाजा किसने खटखटाया बता दिया मैंने। चलिए अगला, तुमने यह सब कैसे किया, तुमने ये सब कैसे किया, हाउ डिड यू डू ऑल दिस। देखिए हाउ डिड यू डू दिस ऑल होता है, ओके, हाउ डिड यू डू दिस ऑल, दोनों ही सही है, हाउ डिड यू डू दिस ऑल, ओके, हाउ डिड यू डू दिस ऑल या ऑल दिस, दोनों ही चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसने कौन सी किताब खरीदी, उसने कौन सी किताब खरीदी, बताइए। ओह माई गॉड, आपने पर हाँ, विच बुक डिड ही बाई या विच बुक डिड ही परचेज, बिल्कुल सही, विच बुक डिड ही परचेज, है ना, विच बुक डिड ही परचेज या डिड शी परचेज, दोनों ही सही है। हाँ उन्होंने क्या निर्णय लिया, निर्णय को डिसीजन बोलते हैं, निर्णय क्या बोलते हैं, डिसीजन, बताइए क्या होगा, क्या बोल रहा है भाई, क्या, क्या यानी वॉट, क्या बोल रहा है ना, अरे भाई उन्होंने क्या बोल रहा है, क्या, तो क्या है मतलब, किससे शुरू होगा, स्टार्ट होगा व्हाट से, हाँ उन्होंने क्या निर्णय लिया, व्हाट डिसीजन, हाँ डिड ही, डिड दे, उन्होंने लिया, टेक, लेने को टेक बोलते हैं, व्हाट डिसीजन डिड दे टेक। चलिए देखते हैं, व्हाट डिसीजन डिड दे टेक, ओके, या व्हाट डिसीजन डिड दे टेक या व्हाट डिड दे डिसाइड, दोनों ही सही है, व्हाट डिड दे डिसाइड, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ओके, तो इसका क्या होगा, व्हाट डिड दे डिसाइड, व्हाट डिड दे डिसाइड, इसको भी नोट कर लीजिए ये, है ना, व्हाट डिड दे डिसाइड, इस पे भी स्टार मार्क करिए, उन्होंने क्या निर्णय लिया, व्हाट डिड दे डिसाइड, व्हाट डिड दे डिसाइड, निर्णय लेने को डिसाइड करना भी बोलते हैं। चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 20, तुम वहां क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो देयर, वाई डिड यू नॉट गो देयर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, क्या वह आज स्कूल नहीं गई, डिड शी नॉट गो टू स्कूल टूडे, लेट सी, डिड शी नॉट गो टू स्कूल टूडे, वेरी गुड, एब्सोल्यूटली करेक्ट। क्या अभी तक सूरज नहीं निकला, डिड द सन, not rise yet,
Did the sun not rise yet? Did the sun not rise yet? Very good. अभी तक को yet बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Yet. चलिए next देखते हैं. मैंने उसे क्या नहीं दिया? मैंने उसे क्या नहीं दिया? क्या से स्टार्ट हो गई ये? What? हाँ. What did I not? हाँ. What did I not give him? Very good. What did I not give him? Very good. बहुत अच्छे. Okay. Then इसके बाद है उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? क्यों? Why? Why did he not call you? Why did he not call you? Invite भी हो सकता है यहाँ पे, but call चलेगा. निमंत्रण देना यानी invite करना, बुलाना यानी call. Why did she not call you? ठीक है, he, she, कोई दिक्कत नहीं है. Next. उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, ये तो हो गया है. अगला है सिक्स्थ वाला, तुमने कौन सी फिल्म नहीं देखी? विच फिल्म डिड यू नॉट वॉच? विच फिल्म डिड यू नॉट वॉच? वेरी गुड. विच फिल्म डिड यू नॉट वॉच? आज तुमसे मिलने कौन नहीं आएगा? आज तुमसे मिलने कौन नहीं आएगा? कौन? वो. हाँ. Who did not come to meet you today? Who did not come to meet you today? Very good. बहुत अच्छे. Who did not come to meet you today? बिल्कुल सही. Who did not come to meet you today? लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेले? लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेले? Why did the boys not play cricket? Why did the boys not play cricket on the field या in the ground? बिल्कुल सही है ना? आज वह लड़की क्लास में क्यों नहीं आई? Why did she girl not come in the class? देखिए आज वह लड़की है यहाँ पे, तो यहाँ पे she use नहीं होगा, that use होगा. क्या use होगा? That है ना? तो हाँ, दैट गर्ल, क्योंकि वो इंगित करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, इशारा करने के लिए यूज हो रहा है, वह लड़की है ना. तो बोलिए क्या होगा? वाई डिड शी, फिर बोल दिया आप, दैट गर्ल. हाँ, वाई डिड दैट गर्ल नॉट कम टू द क्लास? कम टू द क्लास टूडे. ओके, नोट करिए. हाँ, नाइट कम टू द क्लास, नहीं क्लास को जाना, अगर है क्लास में जाना है ना, कम टू द क्लास. देखिए क्लास को जाना, भले में लगा हुआ है, क्लास में जाना, क्लास में क्यों नहीं आई? नहीं, देखिए आप भले ही क्लास में बोला जा रहा है, बट जैसे आप बाहर हैं, बोली हाँ ना, तो आप क्लास की तरफ जाएंगे ना, क्लास को जाएंगे ना. आप ये बताओ, मैं एक मिनट, आप स्कूल में जाएंगे कि स्कूल को जाएंगे? स्कूल में जाएंगे. अच्छा, आप दिल्ली में जाएंगे या दिल्ली को जाएंगे? दिल्ली में जाएंगे. नहीं, हाँ, आप कहीं जाते हैं तो कहीं को जाते हैं. टू स्कूल, टू दिल्ली. आई गो टू दिल्ली, आई गो टू स्कूल. समझ गए ना? दिल्ली में को लगा. हाँ, तो जाने के लिए को यूज होता है, तो यहाँ पे भी को यूज होगा, टू इस्तेमाल है ना. हल भले लिखे या ना लिखे वो बात नहीं है, बट यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? टू. क्या इस्तेमाल होगा? टू. गो टू स्कूल, गो टू द मार्केट. वो देखिए, ये वो बाहर से अंदर आने की सेंस जब बोली जाती, इसमें जब बोली जाती, चल करके आया, चल करके आया है ना, क्लास में प्रवेश किया, तब वहां पर इंटू होता, बट यहां पर सीधे टू आएगा. अब ऐसे तो आप बोलेंगे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली भी इंसान चल के ही तो जाएगा, तो इंटू द दिल्ली. अरे भैया, दिल्ली में कदम नहीं रख रहा है कि इंटू की बात हो. अगर कदम रखने की बात होती, उसने स्कूल के अंदर कदम रखा, ओके, तब वहां पे इनटू का इस्तेमाल होता, बट यहां पे टू ही लगेगा. ओके, तो क्या होगा फाइनली इसका? व्हाई डिड दैट गर्ल नॉट कम टू द क्लास टुडे? कम टू द क्लास टुडे. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगला, उन्होंने तुमसे बात क्यों नहीं की? Why did they not talk to you? बिल्कुल सही है. तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट हमने फिनिश कर दिया है. ओके, अब इसके बाद हम अगले में करेंगे आपका पास्ट कंटिन्यूअस. क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट. तो बहुत ही जल्दी हम क्लास लेकर के आएंगे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.